गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सेकेंड ईयर का जो पेपर है उसके बारे में आज बात करेंगे हम। तो आज सेकेंड ईयर की क्लास है ये, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक है बेटा, ये सेकेंड ईयर का पेपर है। इसमें हम आपको चार क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। उसमें से आपको किसी दो के ऊपर असाइनमेंट बनानी है, एनी टू क्वेश्चंस, कोई भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द नेचर एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाट आर द बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। आज का हमारा फर्स्ट जो हम आज करेंगे, ठीक है। समावेशी शिक्षा की प्रकृति और आवश्यकता के बारे में वर्णन कीजिए। भारत में समावेशी शिक्षा में कौन कौन से अवरोधक तत्व हैं या अवरोधक कार्य हैं, ठीक है, जो इनको रोकते हैं, अवरोधक हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। हाउ विल यू प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ पैरेटली ब्लाइंड चिल्ड्रन डिस्कस। दृष्टि बाधिता की आवश्यकता को परिभाषित कीजिए। आप कम देखने वाले बच्चों को शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, डिस्क्राइब पी ट्यूटोरियल एज ए टीचिंग स्ट्रेटर्जी फॉर इंक्लूसिव सेटिंग इन डिटेल। बताइए इन डिटेल, समावेशी वातावरण में सहपाठी शिक्षण अधिगम युक्ति की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। डिस्कस द नीड ऑफ काउंसलिंग फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। निर्देशन और परामर्श से क्या अभिप्राय है। विशिष्ट बच्चों के लिए परामर्श की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। तो ये आपके चार मेन क्वेश्चन हैं। देखिए हमने मेन आपको बताए हैं, लेकिन पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो टीचर बताते हैं वही क्वेश्चन आएंगे आपके, आ कुछ भी सकता है, लेकिन हमने आपको अपनी तरफ से मेन बताए हैं, पढ़ना आप सभी क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस द नेचर एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाट आर द बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। इंक्लूसिव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले आपको, वैसे ये हम करवा चुके हैं क्वेश्चनिंग, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा हम थोड़ा शॉर्ट टर्म में कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी भी सेंस में आ सकता है। व्हाट इज़ द मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन, डिस्कस द नीड इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज़ द इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब द, एक्सप्लेन कीजिए, इसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, मोल्ड होके आए हुए होते हैं, कि मीनिंग जो हमने किया है वही है, लेकिन समझ पाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन की सेंस समझ के फिर लिखिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या होती है। मैंने बहुत अच्छी तरह ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरह करवाए हुए हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसमें नॉर्मल बच्चे, ठीक है, सामान्य बच्चे और एबनॉर्मल बच्चे, विशिष्ट बच्चे, ठीक है, दोनों एक साथ एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में पढ़ाई करते हैं या शिक्षण ग्रहण करते हैं, ठीक है बेटा। तो वो क्या है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन। विशिष्ट बच्चों में आपके सभी आ जाते हैं, मेंटली रिटायर्ड, फिजिकल रिटायर्ड, ठीक है बेटा, ये सभी तरह के बच्चे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो एक साथ इनको जिस स्कूल में, जिस कक्षा में शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा का जो आज का टाइम है, आधुनिक युग में, इसका हम विशेष, इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि आजकल बच्चे, टीचर्स, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो भी यही चाहते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चों को इकट्ठा ही पढ़ाया जाए। ताकि क्यों पढ़ाया जाए, कि जो ये एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उनको अपने जो कोई कमी है वो महसूस ना हो। अगर हम इनको अलग स्कूल में पढ़ाते हैं, विशेष स्कूल में पढ़ाते हैं, अलग से स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाते हैं,
तो ये लगता है कि इनको कि हमारे अंदर कोई कमी है, इसलिए हमें नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा, ठीक है। तो इसलिए आज के टाइम में ये कहा जा रहा है कि इनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए, ताकि इनके अंदर जो कमी है वो इनको महसूस ना हो, ठीक है बेटा। हमारे शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक तो अभी भी आप कह सकते हैं कि इस बात में काफ़ी मतभेद है कि इन बच्चों को नॉर्मल विद्यालय में पढ़ाया जाए या विशिष्ट विद्यालय में, ठीक है बेटा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनकी इनके साथ जुड़ी होती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि निर्णय लेना अभी तक भी संभव नहीं हो पाया है कि इनको कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही अगर क्लास में हम कह सकते हैं तो पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उनके अंदर कोई भी हीन भावना पैदा ना हो और वो दूसरों से अपने आप को अलग न समझे, ठीक है। विद्यालयों में जो हमारे विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनमें कई बार क्या होता है, शारीरिक रूप से विकलांग भी होते हैं, उनको तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार जो मानसिक रूप से मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं उनको हम पहचान नहीं पाते कई बार, ठीक है। तो उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल कार्य है हमारे सामने। जो बालक विशेष शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के बालकों को आगे बढ़ाना, उनको अच्छे से पढ़ाना, ठीक है। तो जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्या कर पाते हैं, कम सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं कर सकते। तो विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन बच्चों की जो छिपी हुई प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको सामने लाना है, ठीक है बेटा, ताकि उनकी योग्यता का प्रयोग देश के हित के लिए हम कर सकें, ठीक है। जो नॉर्मल बालक होते हैं उनको तो हम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे देश के हित के लिए कल को काम करें, लेकिन जो एबनॉर्मल बालक हैं इनके लिए भी, इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और ये भी हमारे देश के लिए कार्य करें, तो हमारी गवर्नमेंट यह सोचती है, ठीक है, सही बात है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है, इसका प्रत्यय सामान्य लोगों ने इसका महत्व समझना शुरू कर दिया है। जो स्वयंसेवी संस्थाएं भी, जो स्वयंसेवी हैं, प्राइवेट्स होती हैं, वो भी सफलतापूर्वक इस कार्य में लगी हुई है, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्रियों, हमारा जो शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि इन बच्चों को विशेष विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा देनी चाहिए। तो छात्र को सामान्य विद्यालय में प्रवेश किया जाए और उसको न केवल सामान्य अध्यापक की सुविधाएँ दी जाए, बल्कि उसके साथ साथ विशेष अध्यापक का वो भी उसको सहायता मिले। तो उसके लिए एक्सपर्ट टीचर भी होना चाहिए, जो सारी उनकी जो विशिष्ट बच्चे हैं उनकी स्टडी को अच्छे से करवा सके, ठीक है। तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य यही है, ऐसा सक्षम बालकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और देश के हित के लिए कार्य करना, ठीक है। अब इनके लिए हमें थ्री आर एस की आवश्यकता हुई, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसके साथ विशिष्ट बालक किसी भी क्षेत्र में दूसरे सामान्य बालकों से पीछे ना रहें, तो इसलिए हम सब ने यही सोचा कि इनकी आवश्यकता जो है उसको पूरा किया जाए, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, तो असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना भी की गई है, लेकिन क्या कहा गया है कि इनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए, ठीक है बेटा। इसके बाद आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन देने के बाद कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें बताया हुआ है, थोड़ा उसके बारे में डाल सकते हो कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई, अमेरिका से हम इसको ले सकते हैं, थोड़ा एक पैराग्राफ आप वो लिख सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद आप बता सकते हो नेक्स्ट पैराग्राफ में काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के विशिष्ट बच्चों की काउंसिल ने कम असमर्थ बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं बताई हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, सही शिक्षा जो उसके लिए ज़रूरी है, बच्चे की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तभी बच्चा सेटिस्फाई होगा और उसके पेरेंट्स भी तभी सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। उनके लिए जो साधन है, जो उनको ज़रूरत है जिन साधनों की, वो उनके लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ठीक है बेटा।
और उनको विशेष जो एक्सपर्ट पर टीचर हैं उनके लिए स्पेशल टीचर्स हैं उनकी भी व्यवस्था, नॉर्मल टीचर के साथ साथ उनकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है हमारे जो काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं उन्होंने कहा है कि हमारे जो एबनॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या विशेष होना चाहिए। उसके बाद आप राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, एज यू विश। आप इसमें बता ही रही हैं काफ़ी सारे राइटर्स की उमातुली, अकॉर्डिंग टू उमातुली, समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में, हिंदी में जैसे भी चाहें इसमें लिख सकते हैं। एक और ले लीजिए, तो दो डेफिनेशन, दो याद रहती है किसी को दो लिख लीजिए, एक याद रहती है किसी को एक लिख लीजिए, लेकिन राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है क्योंकि इससे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा इसके बारे में कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। अब हमारे बैरियर्स क्या हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इट डिस्क्राइब द बैरियर्स। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं हमारे बैरियर्स अगर हम बात करते हैं तो हमारी क्या क्या बाधाएं हैं। ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, व्हाट आर द बैरियर्स प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, और डिस्क्राइब बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताना है कि बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं इंक्लूसिव शिक्षा में। ठीक है, वैसे तो अगर हम कहते हैं कि इनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है क्योंकि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। अब एक नॉर्मल बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। एक जो एबनॉर्मल बच्चा है, मेंटली रिटायर्ड है, उसका आईक्यू लेवल डाउन होता है। तो उन बच्चों को जो क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, नॉर्मल टीचर बच्चों को, सभी को इसके एबनॉर्मल को भी और नॉर्मल को भी, तो नॉर्मल बच्चा तो जल्दी समझ जाएगा, लेकिन जो एबनॉर्मल बच्चा है वो जल्द नहीं समझ पाएगा नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि जो उसका मेंटल लेवल है वो बहुत डाउन है। ठीक है, तो अब हमने ये बैरियर्स बतानी हैं कि इसमें क्या क्या बाधाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले एटीट्यूड टीचर का, एटीट्यूड ऑफ टीचर, टीचर का व्यवहार, ये भी सब निर्भर करता है। तो मानव जीवन का जो क्या होती है, नेचर है, जो प्रवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, वो मानव जीवन का आधार होता है, उसका बेस होता है। ठीक है, तो हमारी प्रवृत्ति, हमारे विचारों, भावनाओं, जो भी हम कहते करते हैं, स्पष्ट करते हैं, वो दूसरा उससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो वे वास्तव में हमारे अकॉर्डिंग ही सोचना, महसूस करना और कार्य करने को दूसरा क्या करता है। हम सोचते हैं कि अगर जो पढ़ा रहा है वो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ, वो अपने अकॉर्डिंग ही बताएगा। तो जो हमारा एटीट्यूड होता है वास्तव में किसी कार्य को करने के लिए प्रति तत्परता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा टीचर है वो हमारा मार्गदर्शन करता है, परंतु कई बार क्या होता है, जो टीचर पढ़ा रहा है, जो वो पढ़ा रहा है, वो सभी एबनॉर्मल बच्चों का बेस नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें नॉर्मल बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन एबनॉर्मल बच्चे नहीं समझ पाते उस टीचर के एटीट्यूड को। ठीक है, क्योंकि हम जिस प्रकार लोगों एवं चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं तो उसको ही प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन ये हमें फैसला करने में मार्गदर्शन करती है ये चीज़ें, कि हम किसको पसंद करें या नापसंद, किससे बचें या किसको अपनाएं। तो टीचर के सामने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, और बच्चे कई बार जो टीचर चीज़ें अपनाते हैं, साधन अपनाते हैं, या अपना जो भी उनका बेस होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो वो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, और टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, बाधा है। तो समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है अध्यापक का टीचर का रवैया, टीचर का एटीट्यूड। ठीक है, अगर टीचर विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं कि तो थोड़ा बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, लेकिन अगर एक नॉर्मल टीचर है, उसको स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग नहीं है, तो वो जल्दी बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट है आपका सहपाठियों द्वारा नकारा जाना। जो आपके नॉर्मल एबनॉर्मल बच्चे इकट्ठे बैठते हैं तो कई बार जो वो बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चे, वो एबनॉर्मल बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो उनको फ्रेंड्स नहीं बनाते कि आप एबनॉर्मल, उनको लगता है कि ये एबनॉर्मल बच्चा है, ये मेरे लायक नहीं है, इसमें ये कमी है, तो मैं इसको अपना फ्रेंड नहीं बनाऊंगा, तो उनकी तरफ से वो उनको नकार दिया जाता है। ठीक है, तो जो एबनॉर्मल बच्चे हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके मन में थोड़ी हीन भावना पैदा होती है कि हमें अपने फ्रेंड्स नहीं बनाते, हमारे साथ खेलते नहीं हैं, हम अपनी कॉपीज़ नहीं दिखाते, हमारे साथ इकट्ठे नहीं बैठते, तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, यद्यपि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं, अब नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो नियमित कक्षाओं में प्रविष्ट तो होते हैं, पर फिर भी उनके सहपाठियों द्वारा उनको कोई इज्जत नहीं दी जाती। ठीक है, और उनको नकारा जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो अपाहिज बच्चे होते हैं, हैंडीकैप बच्चे होते हैं, वो अन्य साथियों से क्या होता है, उनका चिड़चिड़ापन हो जाता है, जो कि उनके लिए क्या है, बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। नेक्स्ट है आपका सहभागिता का अभाव। इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम महसूस करते हैं कि समुदाय या सामुदायिक जो संस्थाएं होती हैं वो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के समावेशी का आधार होती हैं और परस्पर सहभागिता पर निर्मित होती हैं। ठीक है, तो अकेला व्यक्ति इतना कुछ हासिल नहीं कर सकता जितना वह टीम के साथ प्रयास करने में करता है। ठीक है, तो अधिगम जो इनकी सफलता है उसके लिए जो अध्यापक एवं अभिभावक, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, और विशिष्ट टीचर्स होते हैं, उनमें क्या होना चाहिए, समाज एवं समुदाय के मध्य आपस में क्या होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन वो इनमें सहभागिता नहीं होती। ठीक है, तो अगर ऐसी सहभागिता नहीं होगी तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन सफल नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को टाइम नहीं होता टीचर से मिलने का, कई बार टीचर को टाइम नहीं होता पेरेंट्स से मिलने का, तभी तो आजकल हमारे जो स्कूल्स होते हैं, अच्छे स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट्स भी और गवर्नमेंट्स भी, उनमें मीटिंग चलती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, उससे क्या पता चलता है बच्चों के बारे में, बच्चों की एबिलिटी के बारे में, कि हमारा बच्चा कितना योग्य है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका जिम्मेवारी की कमी, कि जो आपका विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक हैं उनको नियमित कक्षा में दाखिला तो दिया जाता है, लेकिन उनके अधिगम को जो बनाया विशिष्ट शिक्षा अध्यापक का दायित्व समझा जाता है, लेकिन वो कई बार क्या करते हैं, अपने विद्यालय के जो पास विशिष्ट शिक्षा अध्यापक उनके पास नहीं होते। ठीक है, तो वह किसी की जिम्मेदारी क्या होता है, नहीं अपनी समझते, अगर होते हैं तो जिम्मेदारी भी कई बार नहीं समझते, और कई बार क्या होता है उनके पास टीचर भी नहीं होते। ठीक है, तो ये भी सब बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, क्योंकि वास्तव में जो विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा की जिम्मेवारी टीचरों के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स ही वहाँ पर जो स्कूलों में क्या हैं, उनके गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं एक तरह से। अब आप ये देखेंगे घर में, जैसे हमारे माँ बाप हमारे पेरेंट्स हैं, तो स्कूल में कौन है, हमारे गुरु ही हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे गार्जियन ही हमारे पेरेंट्स हैं। ठीक है बेटा, तो क्या है, वास्तव में समावेशी जो है अध्यापक, शिक्षा प्रत्येक अध्यापक की जिम्मेवारी होती है, लेकिन इससे अध्यापक को दूर नहीं भागना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की कमी, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। उसके बाद है आपका जो समय सारणी होती है में व्याख्यान विधि अपनाना, व्याख्यान मतलब थ्योरी मेथड। कई बार क्या होता है, टीचर थ्योरी मेथड के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको तो समझ में आ जाती है, लेकिन जो एबनॉर्मल बच्चे हैं उनको थ्योरी मेथड के द्वारा समझ में नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए वो जो स्टडी है उसको ढंग से समझ नहीं पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। तो पाठ्यक्रम जो होता है बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप भी नहीं होता, और उनका ध्यान बच्चों के प्रति न होकर संपूर्ण कक्षा पर होता है, सभी क्लास पर के बच्चों पर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल बच्चों की तरफ ही टीचर का ध्यान हो, कि उनको लेकर ही शिक्षा दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है संसाधनों की कमी। कई बार क्या होता है,
जो विशिष्ट बच्चे होते हैं इनके लिए जो संसाधन चाहिए वो भी स्कूल में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए टीचर क्या है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ा देता है। जब संसाधन नहीं होते तो टीचर भी कैसे पढ़ाएगा उन बच्चों को, विशिष्ट बच्चों को जिनके लिए संसाधनों की आवश्यकता है। नेक्स्ट है समर्थन का अभाव, कि नियमित कक्षाओं में जो शामिल विशेष अध्यापकों वाले बालक अधिगम में अपनी जो संतोषजनक तरक्की करने के लिए अध्यापकों एवं अपने जो समकक्षों सहकर्मी होते हैं सहयोग एवं जो समर्थन होता है कि उनकी इच्छा उनसे रखते हैं, ठीक है, लेकिन उनको कई बार समर्थन बच्चों को नहीं मिलता, ठीक है, और वह असफल होकर विद्यालय भी बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। तो यह समावेशी उपयोगी जो उद्देश्य है वो क्या है, एक तरह से हमारा बीच में ही अधूरा रह जाता है और आखिरकार समावेशी शिक्षा हमारी असफल हो जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वे समुदाय का शामिल न होना, इंक्लूड नहीं होते। तो प्रभावशाली समावेशी में सबसे महत्वपूर्ण बाधा समावेशी जो प्रक्रिया है अभिभावकों में समाज का शामिल न होना ही इसमें बताया गया है, क्योंकि अधिकतर मामलों में क्या होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं अभिभावक होते हैं अपने बच्चों को विद्यालय में भेज तो देते हैं, लेकिन वो जो इस रिलेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे रिलेटेड हर पहलू में वो शामिल नहीं होते, ठीक है। जैसे कोई पेपर्स होते हैं उसके बाद उसकी पेरेंट्स मीटिंग होती है, कोई एवेल्यूशन करना होता है बच्चे के बारे में, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड कुछ बताना होता है, तो क्या है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसके कारण कि उनको पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं कि नॉर्मल हैं या बिल्कुल ही डाउन है। तो उनको बच्चों की स्थिति के बारे में, पढ़ाई की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो विद्यालय से क्या है एक तरह से अलग ही रहते हैं, ठीक है। तो इस पर समाज के सहयोग पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो और क्या है, विशेष लास्ट पॉइंट है हमारा, विशेष जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनसे लगाव न होना, ठीक है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का नियमित जो कक्षाओं में समावेशी विशेष विद्यालयों को जो हम अस्वीकार किया गया है, प्रणाली को बंद किया गया है, उनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि विशेष विद्यालय अपने निपुण अध्यापकों एवं उपकरणों के जरिए ही जो विद्यालय हैं उसमें संसाधन केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो विशिष्ट विद्यालयों में दाखिल जो बालक हैं उन्हें विशेष शिक्षा चाहिए, निपुण अध्यापकों का होना भी स्कूल में सही है, और निपुण अध्यापकों वाले विशेष विद्यालयों में उनको भेजा जाए, तभी हम इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार समावेशी जो स्कूलों का विशेष विद्यालयों से लगाव न होना ही बहुत बड़ी बाधा है। तो इसे हमें क्या है, इन बाधाओं को दूर करना चाहिए और हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है बेटा। और जहाँ तक हो सके, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ स्पेशल स्कूल्स का इंतजाम किया जाना चाहिए, और जहाँ तक हो नॉर्मल बच्चों के साथ भी इनको पढ़ाया जा सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।